हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इंडियन रेलवेज़ को मैंने पिछली वीडियोस में थोड़ा डिस्कस किया था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को मैंने डिस्कस किया था। आज जो इंडियन रेलवेज से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बच गए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम इंडियन एयरवेज मतलब एयर ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला इंडियन रेलवे का बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया था, हेल्ड कब किया गया था? तो 1925 में सबसे पहला इंडियन रेलवे का बजट जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी ट्रेन है इंडिया की जिसका सबसे लंबा रूट है? तो वो है विवेक एक्सप्रेस, इसका सबसे लंबा रूट है। फर्स्ट अंडरग्राउंड यानी मेट्रो रेलवे कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में? तो 1984 में मेट्रो रेलवे स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अच्छा, पहली ट्रेन जो थी इंडिया की जो कि 1953 में मतलब चली थी बॉम्बे से थाने, उसने कितना लेंथ कवर किया था? तो उसने लेंथ किया था कवर 34 किलोमीटर। इंडियन रेलवेज़ की नेशनलाइजेशन कब हुई थी? इंडियन रेलवेज़ की नेशनलाइजेशन हुई थी 1950 में। अच्छा, फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में बिटवीन बॉम्बे एंड थाने, 34 किलोमीटर लेंथ थी। किस गवर्नर जनरल ने इंडियन रेलवे को एस्टैब्लिश किया था? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हु इज़ नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, तो लॉर्ड डलहौजी इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, इसी ने रेलवेज़ को क्या किया था, इस्टैब्लिश किया था। अच्छा, इंडियन रेलवेज़ ने ट्रेन्स में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कब से स्टार्ट किया था, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना? तो मई 1, 2030 से इन्होंने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था। अब हम एयर ट्रांसपोर्ट को देखेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट का बस लॉन्च हुआ था 1911 में। ये इलाहाबाद और नैनी के बीच में सिर्फ 10 किलोमीटर का एयर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एक बॉडी है जो क्या करती है, सेफ़ एफिशिएंट और एयर ट्रैफिक क्या करती है, मतलब सेफ़ और एफिशिएंट एयर ट्रैफिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इंडिया के 125 एयरपोर्ट को मैनेज करती है। और एयर ट्रांसपोर्ट को कौन मैनेज करता है? एयर इंडिया, आपको ये याद रखना। अच्छा, जीआरडी टाटा जो थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक सोलो फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू कराची इन 1931। जीआरडी टाटा पहले इंसान थे जिन्होंने सोलो फ्लाइट, अकेले फ्लाइट ली थी मुंबई से कराची 1931 में। इन 1953 ऑल प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज वर नेशनलाइज। 1953 में जितनी भी प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज थी उनको क्या किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। और एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस वर मर्ज्ड इन 2017, और इनका नाम क्या रखा गया था, एयर इंडिया। देखो, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ये दोनों कब मर्ज हुई, ये दोनों कब मिली थी, 2007 में इनको मर्ज किया गया था एक साथ, और इनका एक नाम रखा गया था, एयर इंडिया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पावन हंस एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो कहाँ पर ऑपरेट करती है, हिली एरियाज़ में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के हिली एरियाज़ में ये ऑपरेट करती है, और ये पेट्रोलियम सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के लिए काम करता है, पावन हंस। ठीक है, तो प्रेजेंटली देयर आर 464 एयरपोर्ट्स एयर स्ट्रिप्स इन इंडिया। इंडिया में प्रेजेंटली 464 एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स हैं, जिसमें 137 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती है। 137 को कौन मैनेज करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हम इम्पोर्टेंट जो एयरपोर्ट्स हैं जिनके बारे में पूछा भी जाता है एग्ज़ाम्स में, उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैदराबाद में है, यह तेलंगाना। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अमृतसर में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है ये न्यू दिल्ली में, ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। इम्पोर्टेंट ये आपसे पूछा जा सकता है, विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है ये पोर्ट ब्लेयर निकोबार में है। वल्लभभाई पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अहमदाबाद में है। कैंपा गौड़ा इम्पोर्टेंट, ये जो है बेंगलुरु में है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो है ये मुंबई में है, और अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये नागपुर में है। उसके बाद चरण सिंह एयरपोर्ट जो है ये लखनऊ में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है कोलकाता में है, और बगडोगरा एयरपोर्ट जो है सिलीगुड़ी में है। ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कौन था, ये कोचीन एयरपोर्ट था केरला का, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन था, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना कि इंडिया में टोटल 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ठीक है, 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ अभी मैंने, हाइएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है,
तो हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो लद्दाख में है, जिसको हम कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट भी कहते हैं, ये लद्दाख। फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? जुहू एरोड्रोम, ये 1928 में बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्लीनेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है। क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है मदुरई एयरपोर्ट, ठीक है, मदुरई में ये एयरपोर्ट है, ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ, सबसे हाईएस्ट मतलब कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वो केरला है। केरला में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, 4 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं केरला में, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दी इंडियन रेलवेज, भी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाते हैं, और इंडियन एयर ट्रांसपोर्ट भी यहीं पर ख़त्म हो सकती है, एयरवेज भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब इंडियन एयरवेज पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।